सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तुलसा भवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर में चल रही इस वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम फिर से कक्षा नवी विषय हिंदी, इस कक्षा में आज हम किताबें यह चौथी कविता जो है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले आपको एक बात जो बतानी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके पाठ्यक्रम में इस साल में 2020-21 साल में यहाँ पर आपके इस विषय के 25% जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर कम किया गया है। हमने इससे पहले चांदनी रात, बिल्ली का बिलंगुड़ा दो पाठ के बारे में जानकारी ली थी। इससे आगे जो तीसरा पाठ है कबीर, इस पाठ को हमारे पाठ्यक्रम क्रम से कम किया गया है। आप सभी के पास किताबें होगी, मैं आशा करती हूँ कि सभी के पास किताबें हैं। तो आपको क्या करना है कि पेंसिल के सहायता से आपको इसे आउटलाइन करके रखना है, जो आप पढ़ते समय आपको यह ध्यान रखे कि आपका ये जो पाठ्यक्रम है हमारे पाठ्यक्रम में से कम किया गया है। तो कबीर यह तीसरा पूरक पठन है, कम किया गया है। इसके आगे यह पूरा पाठ, ये पाठ आपको स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। आप स्वयं अध्ययन के लिए ये पाठ पढ़ सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं, आपके आनंद के लिए इसके आप इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इन पाठों से संबंधित प्रश्न आपको मूल्यमापन में नहीं पूछे जाएंगे। तो कबीर इस पाठ को आपको क्या करना है, उसे अधोरेखित करो, रेखांकित करो। इसके बाद वीर भूमि पर कुछ दिन, यह पूरी कविता यहाँ पर कम हुई है। उसके बाद वरदान नहीं मांगूंगा, यह कविता है। वीर भूमि पर कुछ दिन, यह यात्रा वर्णन है, इसको यहाँ पर कम किया गया है। दूसरी इकाई में सिंधु का जल और शिष्टाचार, यह पूरा पाठ। और उसके बाद अपराजय, इसको यहाँ पर कम किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर ये बात बताई गई है, कबीर पाठ को यहाँ पर कम किया गया है। इसके बाद जो कविता आती है, कविता चौथी किताबें, इस कविता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। किताबें, यह कविता जैसे आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को एक नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली यह काव्य धारा है। आधुनिक संवेदना, और यहाँ पर शीर्षक दिया है किताबें। किताबें आप जानते हैं, जिसे हम पुस्तक कहते हैं, किताब। तो इस कविता के रचनाकार है गुलजार। कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। देखो, जैसे पहला शब्द है हसरत, आपको अपनी कापियों में कठिन शब्दों के अर्थ लिख कर लेना है। जैसे कि आप कविता को पढ़ें तो कठिन शब्द का अर्थ हम, जैसे कि आपके शब्दों में यहाँ पर उसका अर्थ जैसे आपको आसान लगे, समझने के लिए आसान लगे, इसके बारे में यहाँ पर ऐसे अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। पहला शब्द है हसरत। हसरत का अर्थ क्या है, उम्मीद, और जिसे हम इच्छा भी कहते हैं। अगला शब्द है सोहबत। सोहबत का अर्थ है संगत, जिसे हम मराठी में सोहबत कहते हैं। सोहबत का अर्थ है संगत। कदरे, कदरे का अर्थ है मूल्य, मायने। अगला शब्द है जायका। शब्द, हर एक शब्द और उसका अर्थ आपको लिख कर लेना है। अगला शब्द है जायका। जायका का अर्थ है लज्जत, जिसे हम स्वाद कहते हैं। अगला शब्द है सफा। सफा का अर्थ है पन्ना, किताबों का पन्ना। अगला शब्द है अल्फाज।
अल्फाज का अर्थ है शब्द। इसे आगे राब्ता, राब्ता का अर्थ है संपर्क। अगला शब्द यहां पर दिया है जबी, जबी का अर्थ है माथा। इल्म, इल्म का अर्थ यहां पर बताया गया है ज्ञान। अगला शब्द है रुके, रुके का अर्थ है चिट्ठी या संदेश। अगला शब्द है रिहल, ठावनी जिसे कहते हैं, रिहल का अर्थ है ठावनी, जिस पर हम हमारे धर्म ग्रंथ रख कर पढ़ सकते हैं आसानी से। आपने देखा है इस प्रकार की ठावनी होती है, जैसे कि दो बाजू वहां पर होती हैं, वो एक एक स्टैंड की तरह होता है जिस पर हम किताब जो है खोल कर रख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिहल। अब यह समझ में, शब्दों के कठिन शब्दों के अर्थ जान लेने के बाद हम कविता की ओर चलते हैं। जैसे प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख कंप्यूटर के आने के कारण पुस्तकों में या पुस्तकों के प्रति जो अरुचि है, पुस्तकों और मनुष्य के बीच जो बढ़ती दूरी है उसे उत्पन्न करने का प्रयास किया है, और उससे जो दर्द उत्पन्न होता है उसे बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर पुस्तकों का दर्द यानी किताबों का क्या दर्द है, इस दर्द को प्रस्तुत करने का प्रयास कवि गुलजार जी ने किताबें कविता के माध्यम से किया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रस्तुत जैसे कि पुस्तकें पढ़ने का सुख अभी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि पुस्तकों का सारा काम एक ही आधुनिक साहित्य कर रहा है। कौन सा है वो? कंप्यूटर जिसे कहते हैं, मोबाइल फोन जिसे कहते हैं, स्मार्टफोन जिसे कहते हैं। तो आज हम इसके कारण किताबें पढ़ना पूरी तरह से भूल गए हैं, किताबों को हम देखते तक नहीं है। तो क्या दर्द किताबों का है, और मनुष्य और किताबों में जो दूरी है वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य किताब हाथ में लेकर इसके पूरे एक एक पन्नों में जो बात दी गई है, जो लिखा गया है उसे पढ़ना वह ठीक नहीं समझ रहा है। जैसे कि सारे काम जो है कंप्यूटर पर हो रहे हैं, इसलिए किताबें पढ़ना पूरी तरह से बंद हुआ है। आज हम देखते हैं कि हर प्रकार का साहित्य, जैसे हम किताब मोबाइल में जो है या कंप्यूटर में जो है, बस हमने सर्च किया उसके नाम को, जैसे भगवद गीता है, कोई धर्म ग्रंथ हो, उसे हमने बस उसका नाम सर्च कर लिया तो उसकी सारी जानकारी हमारे सामने हमारे कंप्यूटर के पर्दों पर आती है और हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो किताबों का क्या पहले सुख था, किस प्रकार किताबों को लेकर मनुष्य अपने गोदी में लेकर बड़े ही प्यार से उसे गोदी में लेकर किताबें पढ़ लिया करता था, वही मनुष्य अब किताबों की ओर एक तरफ एक निगाह भी वह नहीं डाल रहा है। तो किस प्रकार किताबों का दुख यहाँ पर है, किताबों की क्या वेदना है, क्या दर्द है, इस कविता के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है। आपको भी पता है कि आप भी जैसे कि छोटे थे तो किताब लेकर पढ़ते थे, कभी किताब गोदी में लेकर पढ़ते थे, कभी सीने पर रख कर पढ़ते थे, है ना, बड़ी आसानी से, और एक प्रकार का आनंद जो मिलता था किताबों को पढ़कर वो आनंद भी अभी नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो कविता दी है, कविता को आपको शुरू से लेकर अंत तक एक बार ध्यान लगाकर ध्यान से इसे पढ़ना है। इसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ को एक एक बार दो बार आपको दोहराना है और उसे याद रखना है, जैसे कि जब तक आपको इन कठिन शब्दों के अर्थ मालूम नहीं है, याद नहीं रखेंगे आप, तब तक आपको कविता आसानी से समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए कविता को एक बार पढ़ो कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से,
बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर यहाँ पर बात को अधूरा छोड़ा है। क्या कहा गया है, किताबें झांकती है बंद अलमारी के कर्म कमरों से, शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जब शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर, है ना। तो कविता पढ़ने में बहुत ही सुंदर है, आपको इसे पढ़ना है, आपको इसे याद करना है, जैसे कि अगली कक्षा में हम इस कविता का अर्थ आपको समझाएंगे। तब तक हम यही रुकेंगे, अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।